पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री और मॉडल की, नाम है जिनका मुग्धा वेरा गोडसे। इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन से। कई रियलिटी शोज की जज भी बनी, जैसे कि मराठी पोल पढ़ते पूढ़े, और इन्होंने तमिल फिल्म थानी ओरुवन में भी काम किया। ऐसा बताया जाता है कि पुणे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में सन 1986 में इनका जन्म हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई नूतन मराठी विद्यालय पुणे में ही। इन्होंने कॉमर्स में डिग्री ली मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज से, जो कि पुणे में ही है। अपने शुरुआती दौर में मुग्धा गोडसे ने तेल तक बेचा और तकरीबन 100 रुपए एक दिन ये कमाया करती थी। आगे जाकर इन्होंने जिम में काम करना शुरू किया और वहीं पर ये एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनी। फिर ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल हंट का ये हिस्सा बने और आगे जाकर द फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में गईं और इन्हें मिस परफेक्ट 10 टाइटल से नवाजा गया। मॉडलिंग के बाद अक्सर अगला कदम एक्टिंग की तरफ ही होता है। ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। ये शाहरुख खान के साथ एक कमर्शियल में नजर आई थी, फिर एक टूथपेस्ट कमर्शियल में भी ये नजर आई, म्यूजिक वीडियोस में नजर आई और फिर फिल्म फैशन में आई, जिनमें इनके साथ प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत और अरबाज खान जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियां थीं। इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई। इन्हें फिल्मफेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन मिला था और इन्होंने अप्सरा अवार्ड का बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट अवार्ड जीता भी था। उसके बाद ये नजर आई फिल्म ऑल द बेस्ट में, जेल में और हेल्प में। फिल्म गली गली चोर है में भी ये नजर आई थी और विल यू मैरी मी में भी। इनका बड़ा गहरा रिश्ता बना जाने माने मॉडल और एक्टर राहुल देव के साथ। ये दोनों रियलिटी शो पावर कपल में नजर आए थे। यकीनन मुग्धा गोडसे ने कड़ी मेहनत से वो मकाम हासिल किया है जिसका सपना बहुत सी अभिनेत्रियां और मॉडल्स देखती हैं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।